तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं गांव को। यहाँ बहुत दिक्कत पड़ रही है बारिश की वजह से, काम वाम कुछ भी नहीं चल तो रहा है हे हेलो गाइस। नॉर्थ साहब, गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया है। तो बढ़िया रहना, हम फिर से एक ला चुके हैं ब्लॉग वीडियो के इंडियन तरफ से, जो आज के वीडियो बहुत अच्छे होने वाला है। जो आज हम काम करने के लिए आए थे पाठशाला, तो काम नहीं हो रहा है बारिश की वजह से, बहुत दिक्कत पड़ रहा है हम लोग को। तो हम लोग जा रहे हैं घर का, घर का जाके आप लोग को सबको दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या करते हैं। रास्ते में आप लोग को बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में नया है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अब जब हम गांव जा रहे हैं तो गांव जाके आप लोग को नई एक ब्लॉग देने वाला हूं कि गांव के कितना, गांव कितना मतलब कि सुंदर है और कितना प्यारा होता है, आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये देख रहे हैं आप लोग, है सुनसान रास्ता है, मतलब कि 2 किलोमीटर तक हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। इधर से कोई ऑटो ऑटो इतना जल्दी मिलता नहीं, और रात में भी बहुत खतरनाक रास्ता दिखता है। कोई भी मतलब कि कोई भी गाड़ी नहीं रुकता इधर से बहुत देर तक, मतलब कि ये गाड़ी रोकने के लिए चांस तभी नहीं है, मतलब कि ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी शायद हमको लगता है कि 3 किलो के 2 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग ऑटो जब मिलेगा तब अगला वीडियो दिखाते। तो गाइस हम पैदल जाते जाते थक चुके हैं, सामने एक ऑटो है, देखते हैं अब वो जाता है कि नहीं। फाइनल गाइस मिल चुका है ऑटो, हम लोग चलते हैं ऑटो पे देखते। तो गाइस फाइनली हम बैठ चुके हैं ऑटो पे, थक गए थे पैदल आते आते। अब आप लोग को, आप ये ऑटो जाएगा बाकी स्टेशन पे जाके आप लोग को दिखा रहे हैं कि बात कितना देरी होता है, कि आता कि नहीं, कितना देर पे आता है। चलिए बाय। तो गाइस बाहर का नजारा हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों का कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। तो गाइस आगे रेलवे फाटक है, हम लोग ने सोचा था कि ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन नहीं आएगा, अभी लेट होगा, लेट हो रहा है, इसलिए हम लोग गाड़ी से जाएंगे। आगे बस स्टैंड है, बस से जाएंगे हम लोग, अभी ट्रेन नहीं आएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पाठशाला बस स्टैंड में आ चुके हैं, अभी ऑटो से उतरेंगे, उतर के बाद में चढ़ेंगे, करके आपको जरूर बताएंगे। हम लोग वीडियो में लगे रहिए, आप लोग इस वीडियो को आप लोग शुरू से एंड तक देख। तो दोस्तों हम लोग तो बस स्टैंड में आ गया है, लेकिन बस एक भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें, अभी बारिश भी आ रहा है, कैसे जाए ऐसे, अभी पानी गिर रहा है, क्या करें देखते हैं। फाइनली बैठ चुके हैं सीट पे बस की, अभी जाने वाले घर को टाइम लगेगा, कम से कम 1-1.5 घंटा और लगेगा। बाद में दिखाते हैं आप लोग को घर की, जाते हैं बस से उतरते टाइम आप लोग को दिखाते। दोस्तों हम लोग अभी बस से उतर चुके हैं, अभी उतर के टुकटुक में चर्च पे अभी घर जा रहा हूँ। 1 घंटा लगेगा घर जाने में, 1 घंटा बाद ही घर पहुँच जाएंगे हम लोग। अभी टुकटुकी में हैं हम लोग, थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे। दोस्तों गोरबटा मेडिकल में हम लोग आ चुके हैं, फाइनली आ चुके हैं हम लोग। देख लीजिए आप लोग गोरबटा मेडिकल कैसे दिखते हैं, हम लोग तो बहुत अच्छा दिखता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिखा रहे हैं हम लोग आप लोगों को गोरबटा मेडिकल।
आप लोगों ने देखा ही होगा पोरबटा मेडिकल कैसे दिख रहा है आप लोगों का, जरूर बताइएगा हम लोग को कमेंट करके। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपने गांव की इधर पुल की तक। बहुत लंबा है पुल, काफी 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबा है पुल। अभी कुछ समस्या चल रहा है रास्ते की, इसी हमारे ये रास्ते पे गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही, तो हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। काफी 1.5 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, तो हम लोग चले आगे जाके हम लोग आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखिए कितने खूबसूरत लगता है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा साथी है, जो एक साथी गए थे, एक साथी आ गए लौट के। अभी 3 दिन हुआ था गए थे, 3 दिन हुआ आए। दोस्तों बारिश की वजह से बहुत दिक्कत पड़ रहा था, हम लोग को फिर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है हमको, क्योंकि गाँव का नज़ारा तो बहुत लोग को मतलब कि मालूम है कि गाँव का नज़ारा कैसे दिखता है कि नहीं दिखता है। गाँव का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, चलिए दिखाते हैं आप लोग को गाँव का नदी के पानी। ये नदी है हमारा, एक और रकम ब्रिज हम पैदल में जा रहा है, 2 किलोमीटर रास्ता है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल जाएगी। तो गाइस जिसने भी के इंडियन ब्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।